अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ न्यू हेयर लोशन, डुप्लीकेट और ओरिजिनल। उसमें क्या डिफरेंस है आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना, ये डब्बा जो है, ये डब्बा देखो, ये डुप्लीकेट है। इस डब्बे में उस डब्बे में देखो कितना फ़र्क है, लिखावट भी फ़र्क है, ठीक है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे हेयर लोशन लिखा हुआ है, वो तो लिख सकते हैं ये भी, लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं इस स्टिकर को, इस स्टिकर से कोई मसला नहीं है भाई, ये बहुत से इस पर लगाते हैं कंपनी वाले, बहुत इस पर नहीं लगाते हैं, तो इसका कोई मैटर नहीं है। मेन जो है इनका जो है यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, आपको दिख गया होगा, ये मेड इन थाईलैंड, और यहाँ पे जो लिखा होगा पैराडाइज, ये है ओरिजिनल, ठीक है। तो आपको डुप्लीकेट भी दिखाते हैं, ये है डुप्लीकेट, तो इसको ओपन करके आप दिखाते हैं। इसमें ना मेड इन थाईलैंड दिखेगा वाइट कलर में, और ना कुछ और दिखेगा, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं सब, ठीक है। तो ये है डुप्लीकेट, इस पर जो होता है स्टिकर रहेगा, और ये जो है स्टिकर होता है, और ओरिजिनल वाले पे ये प्रिंट होता है इसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर। दूसरा जो है इसके अंदर ये जगह जो वाइट दिख रही है ना, ये ब्लैक होती है, और यहाँ पे जो देखो तीर का निशान दिख रहा है ऊपर में ढक्कन के, तो उस पर ओरिजिनल वाले पे क्या होता है, वाईफाई का निशान होता है, ठीक है। तो ये है इसकी कुछ पहचान, आप लोग का सोचा रूबरू करा दें इन चीज़ों से। बहुत से लोग धोखा दे दे रहे हैं पैसे के चक्कर में, बस उनको पैसा चाहिए चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो हम लोग का बताने का मकसद यही था, आप कहीं से भी यूज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए इंशाल्लाह आपको कोई और इसकी जानकारी हमें मिलती है तो आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।